छात्रा, मैं हिंदी दिवस में कुछ पेश करने जा रही हूँ। हिंदी दिवस की शुरुआत 14 सितंबर 1953 से की गई है, मगर आज़ादी के 2 साल बाद 1949 को एक केंद्र सरकार बैठक में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसके पीछे का कारण था कि हिंदी भाषा भारत के 70% क्षेत्र में समझी जाती है और भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, मगर भारत में हिंदी सहित योगाड़ी को उतना सम्मान और सुविधा नहीं मिलता था जितना उन्हें मिलना चाहिए, जिस वजह से हिंदी भाषा के प्रति पूरे भारतवर्ष में जागरूकता फैलाने के लिए हिंदी दिवस मनाने के ऊपर विचार किया गया। कुछ दिनों तक हिंदी को भाषा राजभाषा बनाने के ऊपर विवाद चला, जिसके बाद अतः 14 सितंबर 1953 को पूरे भारतवर्ष में हर साल हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हो गई। वर्तमान समय में हिंदी के पावन त्यौहार को हम बड़े हर्षोल्लास के साथ अलग अलग प्रकार के आयोजन के जरिए मनाते हैं। हिंदी दिवस के दिन हम लोगों को हिंदी भाषा के प्रति जागरूक करने का प्रयास करते हैं। इस दिन केंद्र सरकार की तरफ से हिंदी भाषा में काम करने वाले साहित्यकारों और अन्य कवियों को विभिन्न प्रकार के सम्मान और सुविधा और पुरस्कार भी दिया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हिंदी दिवस की तरफ से चलाई जा रही मुहिम पूरे विश्व भारत में फैले कि और हिंदी को एक विश्व स्तर के अतुलनीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। हम जानते हैं आज भी भारत में हिंदी हर जगह नहीं समझी जाती, मगर यह जरूरी है कि हिंदी भाषा के भारत का भाषा माना जाए और उसे भारत के हर क्षेत्र में अच्छे से समझा जाए। इसके लिए हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को दिवस के